आसिम रियाज हर जगह अपना जलवा बिखेर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स में शामिल हो रहे हैं, फैंस को बहुत पसंद आते हैं। इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन मेंशंस कंप्लीट हो चुके हैं, ट्विटर पर आए दिन ट्रेंड करते हैं, लेकिन ये आसिम रियाज अगर बन पाए हैं तो वो बिग बॉस 13 की वजह से। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आसिम रियाज बिग बॉस 13 के कभी भी पहले चॉइस नहीं थे? क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। जब बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट तैयार होती है तो कुछ कंटेस्टेंट्स को स्टैंड बाय में रखा जाता है, यानी कि वो लोग फाइनल नहीं हो पाते हैं शो के अंदर जाने के लिए, उनको स्टैंड बाय लिस्ट में रख दिया जाता है कि एकदम लास्ट मोमेंट कोई चेंजेस हुए या किसी ने लास्ट मोमेंट में बैकआउट कर दिया तो इन कंटेस्टेंट्स को फिर आगे लेके जाया जाएगा। ऐसा ही कुछ आसिम रियाज के साथ हुआ था, ये थे स्टैंड बाय लिस्ट में, यानी कि वेटिंग लिस्ट में। ही वॉज नॉट द फाइनलाइज्ड कंटेस्टेंट फॉर द शो, लेकिन प्रीमियर वाले दिन ही आसिम रियाज को पहुंचा था कॉल दैट ही हैज टू एंटर द बिग बॉस 13 हाउस एंड ही हैज टू गो इन देयर, और उसी दिन उन्होंने की थी अपनी सारी तैयारी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि आसिम रियाज शायद बिग बॉस 13 में नहीं होते अगर वो कंटेस्टेंट जिसने बैकआउट किया था वो नहीं होता। जी हाँ, किसी एक कंटेस्टेंट ने बैकआउट किया था, उसके बाद ही आसिम रियाज को किया गया था कॉन्टैक्ट और उन्होंने सेम डे शो में अपियर होने के लिए हामी भी भरी थी और सेम डे वो शो में अपियर भी हुए थे। सो दिस इज अ ह्यूज ह्यूज थिंग कि एक दिन में किस तरीके से आसिम रियाज की जिंदगी बदल गई, किस तरीके से वो बिग बॉस 13 का हिस्सा बन गए, और जो है बिग बॉस 13 के बाद इतनी शोहरत हासिल कर ली कि आसिम रियाज आज एक अच्छे खासे बड़े सेलिब्रिटी, बड़े स्टार है। तो अगर आप आसिम रियाज को बिग बॉस 13 में पसंद करते थे, बिग बॉस 13 में देख पाए हैं, तो सेलिब्रिटी को थैंक कीजिए जिन्होंने लास्ट मोमेंट में अपना कंसेंट वापस लिया, लास्ट मोमेंट पे शो से बैकआउट किया, जिसकी वजह से आसिम रियाज की शो में एंट्री हो पाई। इस बड़ी खबर को सुन के क्या आप भी शॉक हुए हैं जैसे मैं हुई थी, क्या आप भी सरप्राइज हुए हैं जैसे मैं हुई थी? तो जरूर लिखे कॉमेंट सेक्शन में अपने व्यूज, बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे, गॉसिप्स आपकी कम नहीं होने देंगे।